So, hello kids, we have already done this poem, I Cannot Remember My Mother by Rabindranath Tagore. Now I am explaining you some of the question answers of this poem and also the word meanings. So this is your book Roots and Wings and the poem name is I Cannot Remember My Mother. So the first word meaning is hover. Hover मतलब to remain in one place in the air. हवा में एक ही जगह पर टिके रहना, एक ही जगह पर रुके रहना, उसको बोलते हैं hover. Then Shivli. Shivli क्या है? एक flower का name है, night jasmine. रात की रानी को बोलते हैं Shivli. Morning service क्या है? Part of traditional worshipping of deity in the morning. Deity मतलब देव या भगवान, भगवान की पूजा करना. Morning service मतलब भगवान की पूजा करना सुबह सुबह. जो ट्रेडिशनल पुरातन जो हमारा वर्शिप करने का जो स्टाइल था, यू कैन से एक काइंड ऑफ पूजा आराधना करने का जो एक सिस्टम है पुरातन समय से जो चला आ रहा है सुबह के टाइम पे, उसको हम बोलते हैं मॉर्निंग सर्विस. देन वी हैव द क्वेश्चन आंसर. डिस्क्राइब व्हाट द पोएट इज डूइंग व्हेन ही रिमेंबर्स हिज मदर एज पोर्ट्रेड इन द फर्स्ट स्टैंजा. तो आप यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है कि जो पोएट है क्या कर रहा है जब वो अपने मदर के बारे में सोच रहा है, उस टाइम पे वो क्या कर रहा है. The poet is playing with his toys when he remembers his mother as portrayed in the first stanza. Poet क्या कर रहा है? Toys के साथ खेल रहा है. ये बोल रहा है ना first stanza में, I cannot remember my mother only sometime in the midst of my play. A tune seems to hover over my playthings. मतलब जब मैं खेल रहा होता हूँ उस time उसके बीच में ऐसे लगता है मेरी खेलने की चीजों के ऊपर कोई चीज छा रही है. तो that's why उसके अंदर हमने क्या explain किया first stanza के अंदर, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या explain किया है कि वो उस टाइम पे खेल रहे हैं. ठीक है. देन व्हाट लिंगर्स इन द पोएट्स माइंड अबाउट हिज मदर. लिंगर्स मतलब घूमते रहना या झूलते रहना. क्या चीज चलती रहती है उसके मदर के बारे में, पोएट की मदर के बारे में. द पोएट रिमेंबर हिज मदर्स सॉन्ग गेज एंड फ्रेग्रेंस. जो पोएट है वो क्या याद करता है अपनी माँ के सॉन्ग, क्या वो गाना गाती थी, किस तरह से उसकी गेज मतलब वो किस तरह से उसको देखती थी नजर उसकी, एंड फ्रेग्रेंस मतलब उसकी खुशबू. Then when would the poet mother hum and for whom? जो उसकी माँ है, poet की माँ है, वो कब हम मतलब गुनगुनाता या गुनगुनाना, तो उसकी mother कब गुनगुनाती थी and for whom, किसके लिए गुनगुनाती थी. तो the mother hummed a song for the author while rocking his cradle to make him sleep. जो उसकी mother है वो song गुनगुनाती थी अपने author के लिए while rocking his cradle, उसका झूला झुलाते हुए, to make him sleep, उसको सुलाने के लिए. तो किसके लिए करती थी वो, for whom, ऑथर के लिए. और कब करती थी, उसका झूला झुलाते हुए करती थी. विच फ्रेग्रेंस रिमाइंडेड द पोएट ऑफ हिज मदर. कौन सी खुशबू है जो कि पोएट को उसकी माँ की याद दिलाती है. द फ्रेग्रेंस ऑफ शिवली फ्लावर्स रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज मदर. रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज मदर या हिम ऑफ आएगा बीच में. ठीक है. तो शिवली फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस थी जो कि पोएट को उसकी माँ की याद दिलाती थी. Then what does the poet mean by the scent of morning service? Did that also remind him of his mother? यहाँ पर poet का scent of morning service से क्या मतलब है? क्या वो भी इसको poet को उसकी माँ की याद दिलाती थी? तो क्या है? The poet mother used shivli flowers for worship in the temple every morning. जो poet है उसकी माँ सुबह सुबह रोज पूजा करने के लिए मंदिर में ये वाले फ्लावर्स को यूज करती थी, शिवली फ्लावर्स को यूज करती थी. दिस वॉज द सेंट दैट रिमाइंड हिम ऑफ हिज मदर. ये जो सेंट था, ये जो खुशबू थी, उसको उसकी माँ की याद दिलाती थी. ठीक है. देन नेक्स्ट वी हैव, आई फील दैट स्टिलनेस ऑफ माई मदर गेज ऑन माई फेस हैज स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई. मुझे लगता है कि मेरे माँ की जो स्टिलनेस है, उसका जो शांत भाव है, उसका मेरी तरफ जो देखना है, उस वो क्या है, पूरे स्काई में फैल चुका है. Explain what the poet tries to convey here. यहाँ पर poet क्या कहना चाहता है, इस चीज को explain करो. The poet recollects his mother's steady gaze and feels that it is reflected all over the sky. He feels that she is still watching him. जो poet है, recollect मतलब दोहराता है, या फिर वो कहते हैं अपने पुरानी चीजों को इकट्ठा करता है, अपनी यादों को समेटता है. क्या, किन यादों को? हिज स्टडी गेज, उसकी माँ की स्टडी गेज. स्टडी मतलब एक जगह एक तक निहारना, एक जगह लगातार देखना. जैसे एक बच्चे को उसकी माँ किस तरह से प्यार से लगातार देखती रहती है, तो उसको वो याद आती है. एंड फील्स, और वो उसको लगता है कि पूरे आसमान में उनकी जो छाया है, उनकी जो परछाई है, वो फैल गई है, उसकी माँ की परछाई. एंड ही फील्स दैट शी इज स्टिल वॉचिंग हिम, और वो उसको लगता है कि उसकी माँ उसको अभी भी देख रही है.
then what is implied by stillness here? यहाँ पर stillness का मतलब क्या है? Stillness, still का मतलब क्या होता है? रुकना, रुक जाना. तो stillness refers to the steady gaze. Steady मतलब रुकी हुई नजर, gaze मतलब नजर. तो यहाँ पर एकटक निहारना, मतलब उसकी जो माँ है वो उसको किस तरह से एकटक देखती थी. ठीक है, ये चीज को एक्सप्लेन किया गया. Then every stanza begins with the words I cannot remember my mother. हर एक stanza जो है वो एक ही लाइन से शुरू हो रहा है, आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर. तो इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू थिंक द पोएट सेज दिस वर्ड? तुम्हारे अकॉर्डिंग पोएट ये चीज क्यों कहता है कि आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर? ही सेज दिस वर्ड्स बिकॉज ही कैन नॉट रिमेम्बर हिज मदर्स रियल इमेज बिकॉज व्हेन शी डाइड ही वाज टू यंग. वो ये वर्ड्स बार बार बोलता है क्योंकि वो अपनी माँ की रियल इमेज को याद नहीं कर पा रहा, याद नहीं उसको आ पाती प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जब उसकी माँ गुजर गई थी, जब उसकी माँ की डेथ हो गई थी तो वो बहुत छोटा था. ठीक है, देन व्हाई डज द पोएट रिपीट देम? बार बार ये पोएट यही लाइन को रिपीट क्यों करता है? ही रिपीट दिस लाइन अगेन एंड अगेन टू टेल ही डज नॉट रिमेम्बर हिज मदर बट स्टिल सम मेमोरीज रिटर्न टू हिम फ्लीटिंगली. लेकिन वो क्या करता है, उसको प्रॉपरली उसकी माँ की याद तो नहीं है, उसके माँ का चेहरे के फेस की इमेज याद नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि उसको बार बार याद आती है. फ्लीटिंगली मतलब फ्लीट होता है एक पंछी की उड़ान को बोलते हैं फ्लीट. तो उसको ऐसे लगता है कि वो उसकी जो यादें हैं वो बार बार उड़ के बार बार आके उसके सामने खड़ी हो जाती हैं. तो इसलिए उसको इस लाइन को उसने बार बार बोला है. व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉन्ड डिड ही शेयर विद हर? किस तरह का बॉन्ड था एक ऑथर का, जो ऑथर है उसका अपनी माँ के साथ किस तरह का बॉन्ड था? He was fond of his mother and she loved her earnestly. वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा पसंद करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसकी माँ भी उसे earnestly मतलब दिलो जहाँ से उसको चाहती थी. ठीक है, तो this is all about your question answer of your